Hello, my dear students. As you know that MCQs are an internal part or integral part of your curriculum nowadays. That's why I have brought some more MCQs from different chapters. But today I have brought these questions from the book Politics in India Since Independence, Class 12, Subject Political Science, and the name of the chapter is Challenges of Nation Building. आपको देखेंगे इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस और साथ में कुछ एमसीक्यूज और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स लुक एट दीज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ फ्री इंडिया. अब आपको बताना है जो इंडिया के फर्स्ट पीएम कौन थे जब फ्री हुआ था इंडिया. तो आपको अगर याद हो, येस द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं. नेहरू एड्रेस्ड अ स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट नाइट. उसी नाइट में नेहरू ने एक स्पेशल सेशन जो है अटेंड किया था और हम कहें कि उनको जो है संबोधित किया था इंडिपेंडेंस के साथ. जो है एक स्पीच थी पर्टिकुलर, और आपको स्पीच की स्टार्टिंग जो वर्ड है या स्पीच का टाइटल क्या था. येस राइट आंसर इज ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट वर द थ्री चैलेंजेस बिफोर फ्री इंडिया. अब आपको थ्री डिफरेंट चैलेंजेस बताने हैं जब इंडिया आज़ाद हुआ था, वो डिफरेंट चैलेंजेस क्या थे. तो बच्चों जो फर्स्ट चैलेंज उसमें आ जाता है वो हमारे लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी हेल्प करेगा, बट मैंने ट्राई किया आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए स्टोरी के बारे में. जैसे टू शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन अर सोसाइटी. सेकेंड अगर हम देखें टू इस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, यानी इस्टैब्लिश करना डेमोक्रेसी को इतनी बड़ी कंट्री में. और थर्ड चैलेंज था हमारे सामने डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस. इसका मतलब था कि बिना भेदभाव के पूरी सोसाइटी की जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए, ना कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को जो है इंपॉर्टेंस दी जाए. तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ. हु एडवांस्ड द टू नेशन थियरी. टू नेशन थियरी किसने एडवांस की थी. येस द राइट आंसर इज मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ. हु वॉज द लीडर ऑफ NWFP, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. ये कौन लीडर हैं जिनके हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इनके अंडर आता था या इनका कंट्रोल था. अच्छा, तो इसका राइट आंसर है बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान. ये बिल्कुल जो है इनके कंट्रोल में था ये सारा का सारा एरिया. और क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं बच्चों. अब इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन हाउ मैनी पीपल हैड टू ट्रेवल अक्रॉस बॉर्डर. कि पूरी प्रोसेस पार्टीशन की जब हुई तो कितने लोगों को ऑलमोस्ट जो है अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री ऐसे जो है बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा. येस राइट आंसर इज 80 लाख पीपल. और वैसे ही आपको बता देता हूँ कि इसमें जो 5 to 10 lakh पीपल जो है देवर किल्ड इन बिटवीन ऑन देयर वे टू गोइंग बैक टू द डिफरेंट एरिया, क्योंकि उस टाइम क्राइसिस ही बहुत ज़्यादा डीप था. तो क्वेश्चन नंबर सेवन है, मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकाउंटेड फॉर ब्लैंक परसेंट है इसमें ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951. अब आपके पास बच्चों तीन ऑप्शन है कि 1951 की पॉपुलेशन अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें उसमें इतने परसेंट जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी. तो क्या हो सकता है बच्चों इसका आंसर. आपके ऑप्शंस हैं 13%, 15% या फिर 12%. यस बच्चों द राइट आंसर इज 12%. सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर. यानी आपको बताना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पर. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए. येस द राइट आंसर इज 565. टोटल जो है 565 प्रिंसली स्टेट्स थी. और उड़ीसा हैड हाउ मैनी स्मॉलर स्टेट्स एट द टाइम. सेम टाइम की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में कितनी छोटी छोटी स्टेट्स थी. येस राइट आंसर इज 26. और ऐसी जो सौराष्ट्रा रीजन है, सौराष्ट्रा रीजन गुजरात का है, हैड हाउ मैनी स्टेट्स एट दैट टाइम. यानी वहाँ पर कितनी स्टेट्स थी अगर उन गुजरात स्टेट की उस टाइम की बात करें तो इसका राइट आंसर है 14 बिग स्टेट्स एंड 119 स्मॉल स्टेट्स. यानी 14 बड़ी स्टेट्स थी और 119 जो है उसमें स्मॉल स्टेट्स थी. तो चलिए अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ.
हाउ वॉज द इश्यू ऑफ जूनागढ़ रिजॉल्व, यानी जूनागढ़ के इश्यू को कैसे रिजॉल्व किया गया। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आफ्टर ए प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट क्या होता है बच्चों, एक ऐसी वोट होती है वहाँ के लोगों के द्वारा, वो डिटरमाइन करते हैं पब्लिक ओपिनियन से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि आपके नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस का होता है। और उस प्लेबिसाइट के थ्रू क्या हुआ था, कंफर्म हुआ था कि वहाँ के लोग जो है इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस तरह जो है जूनागढ़ का इश्यू जो है सॉल्व हुआ कि वहाँ के लोगों ने जो है इंडिया के लिए हाँ कर दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह चलते हैं। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द रूलर ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के रूलर को क्या पर्टिकुलर नाम दिया गया था। यस राइट आंसर इज निजाम। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, विच एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय निजाम ऑफ हैदराबाद विद इंडियन गवर्नमेंट इन नवंबर 1947। आपको 1947 में जो वहाँ के निजाम ने इंडिया की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था उसका नाम बताना है। यस राइट आंसर इज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। और क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम चलें तो हु वर द मोस्ट अफेक्टेड पीपल ऑफ निजाम्स ओप्रेसिव रूल, निजाम के ओप्रेसिव रूल का जो सबसे बुरा इफेक्ट हुआ था वो किन लोगों पर हुआ था। तो वो हमने उसका एग्जैक्ट आंसर लेना है, पीजेंट्री थी तेलंगाना की, यानी वहाँ के जो पुअर फार्मर्स हैं किसान हैं उनका बहुत बुरा हाल था। तो चलिए अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द निजाम, निजाम की पैरामिलिट्री फोर्स का नाम क्या था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मार्क के व्यू पॉइंट से। यस रजाकर्स इज द राइट आंसर। सो व्हेन वाज हैदराबाद असेशन टू इंडिया टेक प्लेस, यानी हैदराबाद का असेशन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है सितंबर में 1948 में। हु वाज द महाराजा ऑफ मणिपुर, महाराजा कौन थे मणिपुर के, उनका राइट नेम आपको बताना है। यस महाराजा का नाम है बोध चंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन डिड महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर, तो इसका राइट आंसर है जून 1948। और क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन डिड द महाराजा ऑफ मणिपुर साइंड ए मर्जर एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी मर्जर एग्रीमेंट कब साइन किया था उन्होंने, सितंबर 1949 के अंदर। हु वाज पोती श्री रामुलु, उनके बारे में बताना है, ये कौन थे, ये कांग्रेस लीडर थे, एक वेटरन गांधीयन थे, और जो एक इंडेफिनेट फास्ट पर चले गए थे 56 डेज के लिए टिल डेथ, किस बात के लिए, क्योंकि ये एक सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे कि आंध्रा को सेपरेट किया जाए। और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं बच्चों अब। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, When did the PM announced for the formation of separate Andhra? एक separate Andhra state की announcement किस year में जो है प्रधानमंत्री ने की थी, तो December 1952 is the right answer. When did the government of India appoint the state's reorganization commission? तो इसका right answer है in 1953. और question number 23 है, When was the State Reorganization Act passed? State Reorganization Act कब पास हुआ था, तो इसका राइट आंसर है इन 1956, जिसमें हम कह सकते हैं 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है हमें इसी ऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जो डिटेल देने के बाद जो है हमें मिली। तो बच्चों आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग्स के लिए। सो कीप ऑन वॉचिंग तरन सर क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।